Assalamualaikum, this is Batul. Welcome back to another tutorial. कैसे आप सब लोग, मैं YouTube family, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं रमजान स्पेशल में आपके लेकर आई हूँ सूजी के दही बड़े की रेसिपी। इतनी मजेदार से सूजी के दही बड़े आज रेडी होंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए सूजी, एक कप मैंने सूजी लिए सेमोलिना। दही मैंने यहाँ पे लिए योगर्ट हाफ कप। सॉल्ट नमक लेंगे हाफ टी स्पून। बेकिंग सोडा लेंगे एक चुटकी, एक पिंच। चॉप ग्रीन चिलीज लेंगे 3 से 4 अदद। क्रश्ड अदरक है, क्रश्ड जिंजर लेंगे 1 टीस्पून। पानी हमें चाहिए होगा हाफ कप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें मैं सूजी डाल रही हूँ 1 कप। उसके बाद मैं चॉप्ड हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज डालूंगी 3 से 4 अदद। क्रश्ड अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। योगर्ट शामिल करेंगे 1/2 कप। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को, आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका थिक सा मिक्सचर आपने रेडी करना है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी 1/2 कप। आप अपने हिसाब से कीजिएगा थिक, मैं आपको बता रही हूँ कि थिक मिक्सचर रेडी करना है, पतला नहीं करना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप पानी इस पर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब आपका मिक्सचर थिक हो जाए तो फिर आपने पानी नहीं शामिल करना। और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल करूंगी। आपने भी बिल्कुल आखिर में इसमें बेकिंग सोडा शामिल करूंगी और इसको फिर से मिक्स करूंगी। मिक्स हो गया है, हम इसके दही बड़े बना लेते हैं। ऑयल लेंगे, गरम होना चाहिए ऑयल। अब आपने एक स्पून लेना है, राउंड शेप का स्पून ले लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपके दही बड़े रेडी हो जाएंगे, शेप अच्छा सा आएगा इसका। अब मैं स्पून की मदद से इसमें डाल दी जाऊँगी ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे हम गोल्डन ब्राउन आने तक। ये देखें जी ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें जी गोल्डन कलर इसका आ गया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। हम इसे निकाल लेते हैं। अब आपने सोक करने के लिए एक बोल लेना है, आपने उसमें पानी डाल लेना है भर के। उसमें मैं नमक सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। चीनी शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। जिंजर पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से। और जो हमने दही बड़े रेडी किए थे हम इसमें डाल देंगे इस पानी में। अब इसको आधे घंटे के लिए हमने इसको सोक करना है। ये देखिए जी आधा घंटा हो गया है। अब आपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि जितना भी वाटर है एक्सेस वो निकल जाए। इसको हम रखते जाएंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डाल लेते हैं। इसके ऊपर से दही डाल रहे हैं, दही मैंने यहाँ पे ली है 1 कप। और अगर आपको मीठे दही बनाना है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून चीनी का पानी शामिल करेंगे। और अगर आपने फीके बनाना है हल्का सा इसमें नमक शामिल कर लेना है पानी में और उसको दही में मिला लेना है। दही डालते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद मैं इसमें दही बड़े मसाला डाल दूंगी। मेरा होममेड घर का बना हुआ दही बड़े मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी या यूट्यूब पे जाके आप दही बड़े मसाला आप बतूस किचन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चटनी डाल ली हूँ, ये भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी रेसिपी आप यूट्यूब पे ग्रीन चटनी रेसिपी पर बतूस किचन लिख के सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। के बाद मैं इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल करूंगी, ये भी मैं आपको पहले बता दूँ, ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगी या फिर आप यूट्यूब पे इमली की खट्टी मीठी चटनी रेसिपी पर बतूस किचन लिख के सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। इन तीनों का लिंक मैं ऊपर आई में मेंशन कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए जी बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं, सूजी के दही बड़े। तो चाट मसाले के साथ सर्व करें, चटनियों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के बने हैं। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद में इसको आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।